नमस्कार आप सभी को, मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज रिंग थ्योरी लेक्चर नंबर 16 में फील्ड से संबंधित कुछ थ्योरम्स को प्रूफ करूंगा। अभी हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। थ्योरम है कि कोई भी फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है। इसको प्रूफ कर रहे हैं। माना कि एफ बाइनरी कंपोजिशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ एक फील्ड है, तो फील्ड होने से क्या होगा कि एफ एक रिंग होगा, इसमें यूनिटी एलिमेंट रहेगा, ये मल्टीप्लिकेशन बाइनरी कंपोजिशन के साथ कम्यूटेटिव होगा और हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होगा। माना कि ए एफ का एक ऐसा एलिमेंट है ताकि ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट हो गया। तो ए अगर नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो ये यूनिट होगा, यूनिट होने से इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। माना कि बी एफ का एक एलिमेंट है ताकि ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू जीरो है। हम लोग दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई जीरो, यहां एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं, ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू राइट साइड में जीरो के साथ कोई भी एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन वो जीरो होता है, ये एसोसिएटिव हो गया लेफ्ट साइड में। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए यूनिटी एलिमेंट हो गया यहां पर, मल्टीप्लाई बी इक्वल टू राइट साइड जीरो है तो बी इक्वल टू जीरो हो गया, इसलिए ए इज नॉट ए लेफ्ट डिविजर ऑफ जीरो। क्योंकि ए लेफ्ट साइड में था, दिया हुआ है कि ये कम्यूटेटिव है, सिंस एफ इज कम्यूटेटिव इसलिए ए राइट डिविजर ऑफ जीरो नहीं होगा। ए इज नॉट ए राइट डिविजर ऑफ जीरो। इसका मतलब हो गया हर नॉन जीरो एलिमेंट, ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज नॉट ए डिविजर ऑफ जीरो। कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट डिविजर ऑफ जीरो नहीं है। इसका मतलब हो गया एफ कंटेंस नो डिविजर ऑफ जीरो। तो क्या हो गया, एफ बाइनरी कंपोजिशन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड कंटेंस नो डिविजर ऑफ जीरो, जो कि इंटीग्रल डोमेन का प्रॉपर्टी है। देयरफॉर एफ विथ बाइनरी कंपोजिशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो ये तो फील्ड था, अभी इंटीग्रल डोमेन हो गया। देयरफॉर ए फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये प्रूफ हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है कि एफ एक फील्ड है,
तो प्रूव करना होगा कि एफ में जितना नॉन जीरो एलिमेंट्स है सबको लेकर एक कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो ये प्रूव करना है। तो प्रूव कर रहे हैं, मान लिया कि एफ बाइनरी कंपोजिशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ फील्ड है, तो फील्ड होने से क्या होगा, ये एफ एक रिंग हो जाएगा। नंबर टू, इसमें यूनिटी एलिमेंट रहेगा। नंबर थ्री, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी कंपोजिशन के साथ ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। नंबर फोर, हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होगा। तो मान लिया कि एफ स्टार ये फील्ड एफ का नॉन जीरो एलिमेंट्स का कलेक्शन है, मतलब एफ स्टार इक्वल टू एफ माइनस एक सेट जिसमें केवल जीरो एलिमेंट है, तो हो जाएगा एफ स्टार फील्ड एफ का नॉन जीरो एलिमेंट्स का कलेक्शन हो जाएगा। नंबर वन, मान लिया ए बी एफ स्टार का एलिमेंट है, क्योंकि एफ स्टार फील्ड एफ का नॉन जीरो एलिमेंट्स को रखता है, इसीलिए ये ए बी एफ का एलिमेंट होगा और ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्योंकि फील्ड एफ क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी कंपोजिशन का क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फुलफिल करता है, इसीलिए ए मल्टीप्लाई बाई बी ये एफ में होगा। और चूंकि ए नॉट इक्वल टू जीरो है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ए मल्टीप्लाई बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि फील्ड एफ एक इंटीग्रल डोमेन होता है और इंटीग्रल डोमेन नो डिवीजन ऑफ जीरो को रखता है, इसीलिए यहां पर ए मल्टीप्लाई बी नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। चूंकि ए मल्टीप्लाई बी फील्ड एफ का एलिमेंट है और ये नॉन जीरो है, इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई बी एफ स्टार का एलिमेंट हो गया। इसका मतलब है एफ स्टार बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। नंबर टू, मान लिया कि ए बी सी एफ स्टार का एलिमेंट है, क्योंकि एफ स्टार एफ का सबसेट है, एफ का नॉन जीरो एलिमेंट्स का ये सेट है एफ स्टार, इसका मतलब है ए बी सी फील्ड एफ का एलिमेंट हो जाएगा। क्योंकि फील्ड एफ मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव होता है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। चूंकि ए बी सी एफ स्टार में था, इसीलिए एफ स्टार मल्टीप्लीकेशन बाइनरी कंपोजिशन के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। नंबर थ्री, चूंकि ये फील्ड यूनिटी एलिमेंट को रखता है, तो मान लिया कि आई यूनिटी एलिमेंट है एफ का, तो आई जीरो एलिमेंट के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब है आई फील्ड का एक नॉन जीरो एलिमेंट हो गया, इसका मतलब आई एफ स्टार में रहेगा। और आई यूनिटी एलिमेंट है एफ का, तो आई एफ स्टार का भी यूनिटी एलिमेंट हो गया। नंबर फोर, मान लिया कि ए एफ स्टार का एक एलिमेंट है, मतलब ए एफ का एलिमेंट हो जाएगा और ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ये ए हो गया एफ का एक नॉन जीरो एलिमेंट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर नॉन जीरो एलिमेंट फील्ड का यूनिट होता है, तो इसका मतलब है ए यूनिट हो गया। यूनिट होने का मतलब है ए इनवर्स एफ में होगा, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ए इनवर्स भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ए इनवर्स एफ का फील्ड का एलिमेंट हो गया नॉन जीरो एलिमेंट हो गया, तो नॉन जीरो एलिमेंट हो गया, तो ए इनवर्स एफ स्टार में रहेगा। तो ए अगर एफ स्टार में है, तो ए इनवर्स भी एफ स्टार में हो गया, इसका मतलब है कि एफ स्टार का हर एलिमेंट का इनवर्स मिलता है एफ स्टार में।
फाइव नंबर में मान लिया ए बी एफ स्टार का एलिमेंट है, एफ स्टार का एलिमेंट क्या होता है, वो एफ का एलिमेंट होता है और नॉन जीरो होता है। और हम लोग जानते हैं कि फील्ड एफ कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ। तो इसका मतलब हो गया ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए हो गया। तो ये ए बी एफ स्टार का एलिमेंट है और यहां पर कम्यूटेटिव शो कर रहा है, तो हो गया देयरफॉर एफ स्टार विथ बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। तो ये पांचों प्रॉपर्टी से हम लोग देख रहे हैं, क्या देखे कि एफ स्टार विथ बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। तो एफ स्टार मल्टीप्लीकेशन के साथ कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया। इसका मतलब है एफ का जितना नॉन जीरो एलिमेंट्स है सबको लेके अगर एक सेट बनाया जाए तो इस सेट बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन के साथ एक कम्यूटेटिव ग्रुप है। तो प्रूफ हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।